हेलो और वेलकम बैक टू विष्णु ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले कि बैंक निफ्टी 20 सितंबर 2023 को कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर सकता है। नो डाउट 20 सितंबर को बैंक निफ्टी का एक एक्सपायरी भी होने वाला है, तो हो सकता है कि नहीं एक्सपायरी के दिन हमको एक अच्छा खासा डाउन साइड नीचे की साइड पर एक मूवमेंट हमको एक अच्छा खासा देखने के लिए मिले। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ, जो हमारा ट्रेंड लाइन चल रहा था उसी ट्रेंड को मार्केट ने यहाँ पे देख सकते हैं रिस्पेक्ट किया। फिर से देख सकते हैं मार्केट ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट करके ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था 46,250 उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके मैं देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे नीचे आया। फिर जो नीचे का हमारा जो छोटा सा एक सपोर्ट का लेवल था, जो कि डिमांड जोन था यहाँ पे बना हुआ, जो कि था 46,040। अगर ये लेवल पे देख सकते हैं कि मार्केट ने देख सकते बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई किया, और लास्ट के जो दो 50-50 मिनट्स के कैंडल थे, यानी कि 3 बजे के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेक डाउन दिया है। देख सकते हैं यहाँ से ऊपर के लेवल से अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया है, और मार्केट अभी क्लोज हुआ है 45,950 से 50 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। तो देखते हैं कि हम लोग वेनसडे के दिन यानी कि एक्सपायर के दिन मार्केट कैसा मूव कर सकते। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है सामान इसी लेवल पे 50 पॉइंट्स की रेंज में, अगर ऊपर नीचे 50 पॉइंट्स के अगर रेंज में खुलता है, मान लीजिए कि 45,940 से लेके 45,980, अगर इसी 40-50 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट का वेनसडे के दिन अगर खुलता है, तो नो डाउट एक अच्छा खासा हमको एक यहाँ पे मार्केट छोटा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट लेके मार्केट एक सपोर्ट ब्रेक करके मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट आपको नीचे का जो मार्केट का सपोर्ट है जो कि 45,600 मार्केट यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। क्योंकि देख सकते हैं मार्केट में थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिख रहा है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई पैटर्न बना रहा था। नो डाउट देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्केट अच्छा खासा हायर हाई पैटर्न बना रहा था। मार्केट ने कोई भी निगेटिव पैटर्न बनाया नहीं था, लेकिन आज मार्केट ने एक अच्छा खासा जो कि प्रीवियस ट्रेंड लाइन चल रहा था उसका ब्रेक डाउन दिया है, और हो सकता है कि नहीं मार्केट हो सकता है कि नहीं यहाँ से एक पुल बैक दे के 45,600 ये इसको टेस्ट करके फिर से मार्केट एक अपसाइड एक मूव दे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है मार्केट में, अगर मार्केट जैसे कि मैंने आपको बताया ये अगर 50 पॉइंट की रेंज में खुलता है 45,940 से लेके 45,980 ये 40-50 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट खुलता है, तो ये फ्लैट मार्केट कंसिडर कर लेंगे, और मार्केट हो सकता है कि नहीं इसी रेंज में रहे वेनसडे के दिन, और फिर नीचे की साइड में ब्रेकआउट दे 45,600 के आसपास ट्रेड करता हुआ मार्केट देख सकता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे ओपन होकर हो सकता है कि नहीं मार्केट थोड़ा यहाँ पे ऊपर जाए 46,000 से फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट फिर से नीचे आने का चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता समर अराउंड 45,800, अगर ये लेवल पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता 45,800 या फिर मान लीजिए 45,850, अगर ये लेवल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो नो डाउट हो सकता है कि नहीं मार्केट जो उसका ऊपर का जो छोटा सा रेजिस्टेंस है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, और फिर उसके बाद मार्केट एक नीचे की साइड का एक मोमेंटम दे। क्योंकि क्या होएगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल किया रहेंगे उनका वो लोग यहाँ पे अपना गैप डाउन ओपन हुआ है 1 दिन हॉलीडे के बाद मार्केट ओपन होने वाला है, तो हो सकता है कि नहीं यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे एक मार्केट में सेलिंग का प्रेशर आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे उसके हिसाब से, जैसे मार्केट लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के कारण मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा 45,900 के आसपास शायद से आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत सारे कवर्ड होंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मार्केट को सबको यहाँ पे दिख जाएगा, तो फिर वो लोग अच्छा खासा यहाँ पे एक सेलिंग के साइड में एक कॉल ले लेंगे, तो फिर हो सकता है कि नहीं 45,600 तक मार्केट चला जाए। अगर मान लीजिए कि मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन होता है समर अराउंड 46,100 के लेवल पे, अगर 46,100 के लेवल पे अगर इस लेवल पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो हो सकता है कि नहीं मार्केट यहाँ पे इसी रेंज में थोड़ा सा वेट करे, फिर उसके बाद मार्केट ब्रेक डाउन दे। क्योंकि मैं ब्रेक डाउन का सिनेरियो के लिए मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट वीक से हो सकता है कंटिन्यूसली बाइंग का मोमेंटम हो रहा है, नो डाउट एक अच्छा खासा कंटिन्यूसली बाइंग का मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, अगर मार्केट में हमेशा बायर्स सेलर्स का मार्केट रह सकता होता, ठीक है, बायर्स को यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे गई रेंज में बायर्स को अच्छा खासा पैसा मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स है उनको यहाँ पे पैसा भी मिलना पेंडिंग है, तो हो सकता है कि नहीं कि
यहाँ पे मार्केट एक छोटा सा कंसोलिडेशन का फेज करके फिर से मार्केट नीचे चला जाए, या फिर मार्केट अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होता है तो फिर हो सकता है कि नहीं, जितने क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे जिन्होंने पैनिक में सेल यहाँ पे जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल किए रहेंगे पोजिशंस, वो लोग इतना बहुत बड़ा गैप अप होने के कारण वो लोग अपने पोजीशंस बुक कर लेंगे, नो डाउट पोजीशंस बुक कर लेंगे। उसके हिसाब से भी हो सकता है कि नहीं हमको एक नीचे की साइड डाउन साइड एक अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। बाइंग के लिए तभी प्रेफर कीजिएगा जब मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के, मार्केट ये जो लास्ट स्विंग है जो कि अब 46,150, अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, अगर ये यहाँ से फ्लैट खुल के अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर ऊपर चला जाता है तब भी आप लोग बाइंग के लिए प्लान कीजिएगा, अदरवाइज बाइंग के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में।